ध्यान शिविर का उद्देश्य नाम से ही स्पष्ट है, ध्यान का शिविर है। ध्यान यानी मेडिटेशन। सामान्यतः जब हम कहते हैं ध्यान तो हमारा मतलब होता है बहिर्मुखी होश। संसार में बाहर की तरफ हमारी चेतना जा रही होती है, हम एक्सट्रोवर्ट होते हैं। जब अध्यात्म में हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो मतलब होता है होश अपने भीतर की तरफ, इंट्रोवर्ट कॉन्शियसनेस। तो ध्यान शब्द हम बाहर भी उपयोग करते हैं, उदाहरण के लिए किसी बच्चे से हम कहते हैं होश पूर्वक पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। किसी ड्राइवर से हम कहते हैं कि ध्यान पूर्वक गाड़ी चलाना। यहां हमारा तात्पर्य बाहर की चीज का ध्यान रखना। जब अध्यात्म में हम स्वयं को पाने चले हैं, अपने भीतर छिपे परमात्मा की खोज में चले हैं, तो ध्यान को होश को अपने भीतर ले जाना होगा। यह ध्यान शिविर उसी को साधने की पद्धति को सिखाता है। गुरु जी, जैसे आज की लाइफ चल रही है तो वो ध्यान लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, भाग दौड़ की जो है, जैसे लाइफ चल रही है जी, कैसे लोग मेंटेन करते हैं, कैसे साधक जो हैं कैसे ध्यान अपना लगा पाते हैं जी? देखिए, जिंदगी तो हमेशा से ऐसी ही रही है, ऐसा कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो गया कि आज से 1000 साल पहले अलग प्रकार के लोग थे, 5000 साल पहले अलग प्रकार के लोग थे। उनकी अपनी व्यस्तताएं थी उस समय की, आज हमें शहर में व्यस्त, उस समय जंगल में व्यस्त थे जी। जी, परेशानियां तो तब भी थी, आज बीमारी होती तब भी होती थी। आज मच्छर काटते हैं, उस समय शेर चीते जंगल में दहाड़ते थे। व्यस्तताएं तो सदा से हैं। आदमी अपने भोजन कमाने के लिए, आजीविका के लिए, घर परिवार के पालन पोषण के लिए हमेशा से व्यस्त रहा है, आज भी व्यस्त है। ध्यान का अर्थ है अपने प्रति होश पूर्वक हम अपनी व्यस्तताओं को करें। तो सवाल ये नहीं है कि व्यस्तताओं को खत्म करके हमको कुछ अलग से ध्यान करना है। हम जो भी कर रहे हैं, हम ऑफिस में जा रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, खेत खलिहान में काम कर रहे हैं, अपनी इन क्रियाओं को होशपूर्वक करना है, ध्यानपूर्वक करना है। इसलिए व्यस्तता और मेडिटेशन आपस में विरोधी नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं बेहोशीपूर्ण बात कर सकता हूं और होशपूर्वक भी बात कर सकता हूं। जी जी। तो सारे कामों में, व्यस्तताओं में हम ध्यान को जोड़ सकते हैं, एडिशनल। किसी चीज को हटाने की या छोड़ने की जरूरत नहीं है। ओशो बहुत बड़ी संप्रदाय है, फॉरेन में काफी साधक है। अभी पंजाब में आपका ये इस एरिया में दूसरा कैंप, एक पहले साल भी आपने लगाया था, अभी ये लगाया। क्या कहना चाहते हैं, जहां के जो लोग हैं वो कैसे इसको अपना सकते हैं, कैसे अपना जीवन सफल कर सकते हैं? देखिए, जहां भी लोग समझदार हैं, ओशो की किताबों से, साहित्य से परिचित होते हैं, ओशो के प्रवचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनके ऑडियो वीडियो सब नेट पर उपलब्ध हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले, सुने जाने वाले गुरुओं में से ओशो एक हैं। तो जहां भी मननशील चिंतनशील लोग हैं वे ओशो से अपने आप जुड़ जाते हैं। हमें कुछ विशेष करना नहीं पड़ता, हम जहां भी जाते हैं ओशो के नाम से शिविर होता है, अपने आप ही लोग वहां पर आते हैं। तो पंजाब में भी ठीक ऐसा ही होता है, जगह जगह हम जाते हैं, सैकड़ों लोग आते हैं ध्यान शिविर में भाग लेने के लिए, अटेंड करने के लिए। ऐसा कौन व्यक्ति है दुनिया में जिसको मन की शांति नहीं चाहिए? ऐसा कौन है जो आनंदित होना नहीं चाहता, जो प्रेम पूर्वक कुशलता पूर्वक अपना जीवन जीना नहीं चाहता? हर व्यक्ति ही ऐसा है। तो जिसको भी समझ होगी वो अपने आप ओशो से जुड़ जाएगा, ध्यान करना शुरू कर देगा और अपने जीवन में ओशो की शिक्षाओं को उतारना आरंभ कर देगा। आज जो शिविर की समाप्ति हुई है, इसके बाद आगे कहाँ है अपना शिविर जी, और कहाँ कहाँ से साधक आए हुए हैं? यहाँ तो सारे देश से, दूर दूर से लोग आए हैं। पंजाब के लोग ज्यादा हैं निश्चित रूप से, क्योंकि उनको निकट पड़ता है, और आपके पंजाब की ठंड से लोग इतने डरते हैं, कोई महाराष्ट्र वाला या गुजरात वाला यहाँ आने की सोच भी नहीं सकता, बीमारी पड़ जाएंगे वो। यहाँ से लौटने के बाद हम जाएंगे हरियाणा सोनीपत, एक सप्ताह वहां रहेंगे। उसके बाद अगला हफ्ता जयपुर राजस्थान में है, जयपुर से लगभग 1 घंटा दूर है चतरपुरा जगह, वहां पर हमारा आश्रम है, वहां भी हम पिछले साल गए थे और इस साल पुनः वहां पर होगा। अगले महीने फरवरी में हम 2 जगह जाएंगे, पूर्वी नेपाल में एक जिला है झापा, वहां पर ओशो जगत आश्रम है, वहां पर ध्यान शिविर होगा, और वहीं से फिर हम जाएंगे सिक्किम, तो 1 सप्ताह वहां का कार्यक्रम होगा। इसके बाद मार्च में 2 जगह है गुजरात में, एक जगह है नडियाद और दूसरी है सूरत, तो एक एक सप्ताह का शिविर वहां पर होगा। आपका मेन आश्रम कहाँ है, कहाँ इसके कैंप के अलावा लोग वहां दर्शन के लिए जा सकते हैं, या ऐसा है कुछ? अभी हमारा आश्रम निर्माण की प्रक्रिया में है, हरियाणा में सोनीपत जिले में एक गांव है मुर्शिदपुर, वहां पर हमारा आश्रम का निर्माण हो रहा है। पूरी उम्मीद है कि
कि ओशो का संबोधि दिवस 21 मार्च 2023 में हम वहीं पर मनाएंगे, तो 2-3 महीने के अंदर अंदर वह तैयार हो जाएगा। अभी हमारे कार्यक्रम ऑनलाइन चल रहे हैं, जब से लॉकडाउन हुआ है महीने में 2 बार 2 सप्ताह हमारे कार्यक्रम चलते हैं, तो इसमें समय की भी कोई सीमा नहीं रह जाती और स्थान की भी कोई सीमा नहीं रह जाती। न केवल देश के लोग बल्कि विदेशों के लोग भी इसमें जुड़े हैं, लगभग 1000 व्यक्ति प्रति महीने इसमें भाग लेते हैं। तो ऑनलाइन कार्यक्रम पिछले 3 सालों से चल रहा है और ऑफलाइन कार्यक्रम 21 मार्च से अभी शुरू होंगे 2 महीने बाद। धन्यवाद जी। धन्यवाद।